तो लेट्स सी, आज प्ले करते हैं गेम, एक दिलचस्प सी सिचुएशन पैदा करते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो खुद तो जॉब करते हैं लेकिन लेट्स सी कि वो अपने बच्चों के कितना करीब होते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अबू बकर हमारे सामने है, ये टीवी स्क्रीन पर भी आपको अबू बकर नज़र आ रहा होगा। ये हमारी सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम अबू बकर से मिली इनके घर जाकर और कुछ बड़ी मज़े की बातें हुई अबू बकर से, जिसके उसने बड़े मज़े से जवाब दिए। तो उनके पेरेंट्स चूँकि वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो अभी जान लेते हैं कि अबू बकर अपने पेरेंट्स के कितना करीब है या इसके पेरेंट्स इसको किस तरह जानते हैं। तो चलिए पहले अबू बकर के वालिद से शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अबू बकर अभी स्कूल गोइंग हो गया हुआ है, स्कूल जाना शुरू हो चुका है? स्कूल गोइंग। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसको स्कूल जाते हुए? इसको अबाउट 1 ईयर हो गया। आप मुझे ये बताएं कि अबू बकर को स्कूल छोड़ने कौन जाता है? मोस्टली तो मैं ही जाता हूँ। अच्छा, आप ही जाते हैं अबू बकर को छोड़ने के लिए। तो अभी वालदा से भी पूछ लेते हैं, आप बच्चों का अक्सर ये अफिलिएशन होती है कि वो अपने बेटे को खुद छोड़ने जाती हैं, अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाती हैं, तो आप छोड़ने जाती हैं या? मोस्टली इनके फादर ही जाते हैं एंड समटाइम्स मैं भी चली जाती हूँ। अच्छा, फिर मैं ऐसे पिक करने चली जाती हूँ, अक्सर ड्रॉप फादर ही करते हैं लेकिन पिक मैं कर लेती हूँ। अच्छा, पिक एंड ड्रॉप चूज की हुई है कि आप ड्रॉप करेंगे मैं पिक कर लूंगी। तो लेट्स सी, अबू बकर से हमने जब ये क्वेश्चन किया कि अबू बकर आप स्कूल चूके जाते हैं तो आपको स्कूल छोड़ने को जाता है, तो अबू बकर ने क्या हमें जवाब दिया था वो पहले आपको सुना देते हैं। मामा बाबा छोड़ने जाते ना? मामा बाबा दोनों ही छोड़ने जाते हैं। चलिए मैं ये जवाब कुछ हद तक दुरुस्त मान लेती हूँ, क्योंकि हालांकि यहाँ पर तो पिक एंड ड्रॉप चूज की हुई है कि कौन छोड़ने जाएगा कौन पिक करने के लिए जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, बच्चे होते हैं, आजकल हम देखते हैं बच्चों को गैजेट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा आदत है, सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा आदत है और कोशिश करते हैं पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए कि बच्चों को गैजेट्स वगैरह दे दिए जाए। खिलौने आप बच्चों को देते हैं या गैजेट्स वगैरह आप प्रेफर करते हैं बच्चों को फ़ोन वगैरह दिया जाए? नहीं, हम प्रेफर करते हैं कि टॉयज ही दें, गैजेट्स से मैं खुद अगेंस्ट हूँ, क्योंकि एक तो वैसे आई साइड भी वीक हो जाती है और वैसे बच्चे सारा दिन फिर गैजेट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, तो टॉयज की ज़्यादा होती है कि टॉयज के साथ प्रेफर करते हैं। मैं थोड़ा सा ये हूँ कि मैं कहता हूँ कि बच्चे को जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आए ना उसके अंदर, वो थ्रू गैजेट्स आ जाए थ्रू टॉयज आ जाए, दोनों चीज़ों से क्रिएटिविटी के ऊपर मेरा जो थोड़ा सा ना अपने पर्सनल बच्चे के ऊपर। अच्छा, क्रिएटिविटी में है कि अबू बकर को फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करने दिया जाए? जी, फ़ोन इस्तेमाल करने दिया जाए, उसके जो पॉजिटिव आस्पेक्ट्स हैं उसके सामने रखे जाए। अच्छा ठीक है, अबू बकर बैठ जाए, अगर आप बैठेंगे नहीं तो हम बात कैसे करेंगे आपके पेरेंट्स से? अबू बकर को अगर चले खिलौने लाने की बारी आती है तो आप मुझे बताएं कि इसको खिलौने कौन ला कर देता है? खिलौने तो मोस्टली मैं ही ला के देता हूँ। आप ही ला के देते हैं सारे खिलौने? और अगर मामा से पूछे तो मामा क्या कहेंगे, खिलौने भी आप ला के देते हैं? ज्यादातर बाबा ही लेके आते हैं। अच्छा, अगर मेरे साथ जाए मार्केट तो फिर मैं भी इसे ले देती हूं। अच्छा ठीक है, तो यानी कि ज्यादातर बाबा ही खिलौने ला कर देते हैं अबू बकर को, मगर जब अबू बकर को खिलौने मिलते हैं और उनसे पूछा जाए कि अबू बकर आपको खिलौने कौन ला कर देता है तो अबू बकर इस पर क्या जवाब देता है वो भी आपको सुनाता है। चलिए जी, अबू बकर ने भी इस चीज़ को पॉजिटिव कर दिया है, मामा बाबा जो है वो दोनों ही खिलौने लाकर देते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर अबू बकर के अपने पेरेंट्स के साथ साइकी कहीं ना कहीं मैच कर रही है, कहीं ना कहीं वो इनको हिंट देता जा रहा है और ये लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, अब स्कूल के बारे चूँकि आती है तो बच्चे को ढेर सारा काम भी मिलता है, वो रिटर्न वर्क भी हो सकता है या बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखने के लिए भी, जब हम स्कूल गोइंग बच्चा होता है तो उसको रिटर्न वर्क तो इतना अच्छा आता नहीं है, तो इसलिए बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे रहे होते हैं कि आपने ये याद करनी है। जब अबू बकर को होमवर्क मिलता है, वो पोएम की शक्ल में हो सकता है, वो सॉन्ग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कलर वगैरह भी हो सकता है कि फ्रूट्स कलर्स भी हो सकते हैं, होमवर्क दोनों में से कौन कराता है? वैसे आप कब वापस आते हैं, जॉब करते हैं तो रात को? मेरा तो काफ़ी ज़्यादा लेट होता है, अबाउट 8:30-9 तक। हाँ। तो जो 99% जो होमवर्क होता है वो तो मम्मा ही कराती हैं। तो चले मैं यहाँ पर आपको सुनाती हूँ कि अगर अबू बकर के होमवर्क की बारी आती है तो मम्मा बाबा में से होमवर्क कराता कौन है? आपने देखा सुना है ना, आपने खुद कहा कि मुझे बाबा कराते हैं, अब आप कह रहे हो मामा कराती हैं आपको होमवर्क? लेकिन मुझे बाबा तो कराती है ना। लेकिन तो है। आप तो वहाँ पे हमें बता रहे हो कि बाबा कराते हैं, इसमें बोलना है आपने? हाँ, इसमें बोले अभी आप मेरे मम्मा बाबा वो मारते हैं और मुझे बाबा कोई भी नहीं छोड़ता, और मुझे अगर मुझे कोई भी टॉय देता है, कोई स्कूटी देता है ना, मुझे मामा एक्सबॉक्स लेके देती है। अबू बकर आप मेरे पास यहाँ पे आएंगे?
इधर आए, मेरे पास आके आप बात करेंगे। माइक आप जरा मुझे दें, इधर आ जाओ। अच्छा जी, अबू बकर चूंकि मेरे साथ है तो आप तो वहाँ पे हमें कह रहे हो कि बाबा आपको होमवर्क कराते हैं, यहाँ पे आप कह रहे हो मामा कराते हैं। कौन कराता है? बाबा। बाबा कराते हैं? अच्छा, तो अभी आप कह रहे थे मामा कराते हैं। मैं मुझे मामा भी कराती हूँ। मारता कौन है आपको? बाबा। बाबा, बाबा मारते हैं आपको? बहुत ज़्यादा। ओए होए होए होए, मम्मा बचाती हैं आपको कि नहीं बचाती? नहीं बचाती। ओए मम्मा वॉशरूम चली जाती है, वो जो बाबा तुम मारते जाते हैं। मम्मा जानबूझ के वॉशरूम चली जाती हैं? हाय बाबा, मतलब हाथों से मारते हैं, जूतों से मारते हैं, कैसे मारते हैं? से मुझे स्लैप मारते हैं। ओए सीधा स्लैप आता है इस साइड पे आता है, इस साइड पे आता है, इस साइड, इस साइड पे अक्सर इस पे पड़ता है? जी डेली मारते हैं बाबा। ओए मामा डेली वॉशरूम चली जाती हैं उस वक्त? ओए होए होए होए, मामा मामा बताएं आप बच्चे को बचाती क्यों नहीं है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बच्चा, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, बच्चा मुझे बता रहा है कि डेली पापा मारते हैं और डेली मामा मार के वक्त वॉशरूम भाग जाती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभार ही से मार पड़ती है बाबा से। हाँ तो वो फिर मैं ऐसे बचा लेती हूँ। आप जब टॉयज से खेलते हो अबू बकर, तो सबसे ज्यादा आपको कौन कहता है नहीं खेलना बस? बाबा जालिम है आपके? ओए होए, तो मामा मामा कहती नहीं है खेलने दो मेरे बेटे को? नहीं कहती। नहीं कहती मामा पापा से? डरती है? सेम मुझे कहती है आप चलो आप स्टडी करो। आप स्टडी करो? तो आप स्टडी नहीं करते जब आप खेलते हो? स्टडी करके नहीं खेलते? स्टडी करते खेलता हूँ, नहीं कि मामा मुझे मारती हैं। मामा भी मारती हैं? हाँ। दोनों ही जुल्म करते हैं आपके ऊपर? जी। अच्छा तो आप किसी को बताते नहीं हो मामा पापा मुझे बहुत मारते हैं? बताता हूँ। किसको? भैया को। भैया को बताते हो? भैया आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े भैया हैं। बड़े बड़े भैया हैं आपके? तो वो क्या कहते हैं फिर आपको? कहते हैं कि हम गंदे बॉय। अच्छा वैसे अच्छा आपके भैया, इनसे पूछ लेते हैं आप मामा बाबा से, इनके कितने भैया हैं अबू बकर के? इनका कोई भाई नहीं है, वो बेसिकली कजन्स हैं। अच्छा वो तीन हैं इनके कजन्स। अच्छा उनको भैया कहते हैं? उन्हें भैया कहते हैं। तो भैया आपको बचाने के लिए नहीं आते कि अबू बकर को मत मारो? मुझे मम्मा मारती है, बाप तो ऑफिस चल जाते, मुझे भैया मामा को कहते हैं। अच्छा बस करो उसको ना मारो। अच्छा ये कहते हैं? तो बाबा जब ऑफिस से आते हैं बाबा तब आके अपनी बारी पूरी करते हैं मारने की आपको? नहीं मुझे आके नहीं मारते। हाँ जाते हैं मारते हैं? न्यूज़ देखते साथ साथ खाना खाते हैं। अच्छा बाबा न्यूज़ देखते हैं साथ साथ खाना खाते हैं। और आपको स्लैप कब करते हैं? कब किस टाइम पे आपको मारते हैं इस गाल के ऊपर? इस टाइम जब दूसरे घर पे था ना जेम ब्राउन, हमारा न्यू घर हो गया माशाल्लाह वाला। माशाल्लाह वाला? अच्छा तो वो नया घर है उसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है आपके? जी। अच्छा आपको अच्छा लगता है अपना नया घर? जी। तो अब नए घर में जब से आए तब से बाबा आपको मारते हैं? तो मामा वॉशरूम चली जाती हैं अक्सर, ऐसा होता है? जी अक्सर ऐसे होता है। अगर मैं मार जाता हूँ ना साइकिल चलाने, तो ना मुझे कहता चलो अब गिर दो। अच्छा बाबा कहते हैं अब लेटो, अब लेटो? नहीं मुझे बाबा कहते हैं कि मैं अब साइकिल से गिर जाओ। बाबा ने मुझे गिरा दिया। बाबा ने खुद ही गिरा दिया? चोट कहाँ लगी थी आपके? चोट मुझे एल्बो पे लगाई थी। एल्बो पे लगी थी? फिर बाबा ने यहाँ पे कुछ लगाया था आपके कि नहीं लगाया था? कहा था भाग जाओ? ट्रैफिक इतनी ब्लॉक थी, फिर मैं गिर भी गया। गिर भी गए और बाबा ने बचाया भी नहीं आपको? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब आप देखो बाबा आपको अक्सर मारते हैं आप बताते हो, मामा अक्सर वॉशरूम चली जाती हैं जी, तो दोनों में से फेवरेट कौन है? कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? किससे आपका ज़्यादा प्यार है? मेरे अपने बाबा से। अच्छा बाबा तो मारते हैं आपको? नहीं मुझे मम्मा से लव होता है। मम्मा से लव है आपको? तो मम्मा कौन सा आपको बचाती हैं? मुझे मम्मा ना अगर बाबा मुझे बाबा पाले मुझे बस इतना बताएं आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड रामदीन है। रामदीन कौन है? स्कूल का नेम है। बॉयज का नेम होता है। तो इसलिए कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इनसे प्यार कीजिए और इनको वक्त दीजिए, भरपूर वक्त दीजिए। ऐसा ना हो किसी दिन अबू बकर की जगह हमारे पास आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो और आपको सुखी का सामना करना पड़े।